जनपद में अवैध शराब माफियाओं की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना आवागढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक बुलेरो एवं दो पिकअप गाड़ियों में भरकर हरियाणा व अरुणाचल प्रदेश से एटा, फिरोजाबाद व आसपास के अन्य जनपदों में तस्करी कर लाई जा रही 240 पेटी गैर प्रांतीय देशी शराब सहित दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया तथा 8 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। कब्जे में ली गई गाड़ियों को चेक किया गया तो उसमें 240 पेटी गैर प्रांतीय अवैध देशी शराब बरामद हुई। अवैध शराब की अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। आवागढ़ पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता पाई है जिसमें इन्होंने दो मैक्स पिकअप और एक बुलेरो बरामद की है, फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद की हैं और इससे 240 पेटी अवैध देसी शराब बरामद हुई है जो अरुणाचल प्रदेश से आ रही थी और एटा के आसपास के जनपदों में वितरण के लिए ले जाई जानी थी। इनकी सूचना पर पकड़े गए हैं, दो लोगों को इन्होंने पकड़ा है, बाकी 8 लोग भाग गए। जो पूछताछ में वर्कआउट हुए हैं 8 लोग आए हैं जिसके नाम, इसमें से कुछ हरियाणा और आसपास के जनपदों के रहने वाले, फिरोजाबाद के और एटा के भी रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है, बहुत जल्दी गिरफ्तारी किया जाएगी इस बड़े गैंग का जो बाहर से शराब ला के एटा और एटा के आसपास जनपदों में वितरित कर रही है। इसका कार्रवाई की जाएगी और उन पर इनको जेल के अंदर भेजा जाएगा जिससे शराब की तस्करी को रोका जा सके।